हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग आम की मीठी अचार बनाने के लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करना। मैंने यहाँ चार मीडियम साइज के आम ले ली हूँ। ये आम को अच्छे से वॉश करके हमको इसका पानी सुखा लेना है। चाहे आप किचन टॉवल पर पोंछ लें या फिर फैन में इसे रख लें। सूखने के बाद हम इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। अब मैंने आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। इसमें अब हम एक टीस्पून नमक और एक पिंच हल्दी, टर्मरिक पाउडर को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 24 घंटे के लिए हम इसे स्टोर कर लेंगे। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसको 24 घंटे के लिए यानी एक दिन के लिए इसे स्टोर कर लेती हूँ। हमारा आम को हल्दी और नमक में मिलाने को एक दिन हो चुका है यानी 24 घंटे हो चुकी है। मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए धूप में रख लिया था। अब देखिए, इससे काफ़ी सारा पानी निकल चुका है। हम ये पानी को पूरा ड्रेन कर लेंगे अच्छे से। और हमको इसके लिए मसाला चाहिए। मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/3 टीस्पून सौंफ, 10 से 15 ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून से भी कम मेथी दाना, 8 से 10 रेड चिली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 5 बड़े चम्मच चीनी ले ली हूँ। अब आप इसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच हींग, रेड फूड कलर ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से अचार का कलर अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 4 से 5 चम्मच ऑयल है सरसों का तेल, और 4 से 5 चम्मच विनेगर। अब हम अचार का पानी, आम का पानी ड्रेन कर लेंगे और ये साबुत मसाले को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब हम सारे खड़े मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम से लो ही रखेंगे और इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बस इसका मॉइस्चर ख़त्म होना है। आप चाहें तो रोस्ट नहीं कर पाओगे, आप इसको धूप में भी सुखा सकते हो। आप इसे रोस्ट करना नहीं चाहते हो तो आप इसे धूप में भी 2-3 घंटे के लिए रख सकते हो, तो भी इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगी। रोस्ट करने को 1 मिनट हो चुकी है और इसका हल्का हल्का खुशबू आ रही है। अब हम इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि गर्म में रहेगा तो ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा। हम ऑयल भी गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड कर लेंगे। ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है क्योंकि पैन गरम थी। अब हम इसमें 1 पिंच हींग ऐड कर लेंगे। हमारा मसाला, खड़ी मसाले और ऑयल दोनों को ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडे होने के बाद इसको मिक्सी में पीसना है। हमको दरदरा पीसना है, ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं बनाना है। अब हम अचार बनाएंगे। मैंने यहाँ एक पैन रख ली हूँ, इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे। आप चीनी गुड़ मिला के भी कर सकते हो, या फिर खाली चीनी या फिर खाली गुड़ में भी आप बना सकते हो। सबका टेस्ट एक ही आएगा। अब हम इसमें 2-3 टीस्पून पानी ऐड कर लेंगे। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट होने के लिए लो फ्लेम में छोड़ देंगे।
हमारा चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक पिंच रेड फूड कलर ऐड करेंगे। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें आम ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें आम ऐड कर लेती हूँ। हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। मीडियम से हाई फ्लेम में हमको इसको पकाना है। मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। हमको फ्लेम हाई रखना है क्योंकि आम से भी थोड़ा सा पानी निकलेगा। हम जब फ्लेम लो कर लेंगे तो ये हमारा पूरा गल जाएगा, तो उसके लिए हमको इसका फ्लेम थोड़ा हाई रखना है। ये जो पानी है ये हमको सूखने तक पकाना है। आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको ढककर पकाना नहीं है, क्योंकि ढककर पकाएंगे तो हमारा आम पूरा टेंडर हो जाएगा। तो हमको इसको खुले में ही पकाना है। ये हमारा लगभग हो चुका है। ये हमारा टोटल इसमें 5 मिनट लगेगा पकने में। ये जो हल्का हल्का सा है ये ठंडा होने के बाद ये इसी में ही सूख जाएगा। तो हम इसको गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे। अब मैं इसका गैस का फ्लेम बंद कर लेती हूँ। अब हम इसको रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ देंगे। हमारा मसाला पूरा ठंडा हो चुकी है। अब हम इसको मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लेंगे। हमारा पकाया हुआ आम रूम टेम्परेचर में आ चुकी है। ऑयल भी हमारा ठंडी हो चुकी है। मसाला भी मैंने दरदरा पीस ली हूँ। अब हम सारे सामग्री को इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें विनेगर ऐड कर लेंगे और फिर इसमें ऑयल भी हम ऐड कर लेंगे। और ऑयल ऐड करने के बाद अब हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब आप इसे अभी भी सर्व कर सकते हो, लेकिन इसको 2 से 3 दिन जब हम धूप में रख लेंगे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। अचार बनाने के लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए।